आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन है। आज ही के दिन माँ तुलसी का विवाह हुआ था। इसी तरह हम लोग हर वर्ष तुलसी माँ की पूजा करते हैं और उनको हम सभी हिंदू धर्मवासी सनातन धर्म के लोग तुलसी माँ की विवाह करते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं। पूजा करने से बहुत सारी दुख खत्म हो जाते हैं और जहाँ तुलसी माँ की आस्थान रहता है वहाँ पर सभी कीड़े मकोड़े मतलब की बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं मर जाते हैं। हम विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों के तरीका से कहा जाता है कि आंगन में तुलसी रहने से सभी बीमारी खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और सभी भूत प्रेत सभी जो अशुभ यात्रा होती है सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग तुलसी माँ की पूजा आराधना करते हैं, आते हैं कुछ उनको पूरा डिटेल जानते हैं क्यों हम लोग माँ तुलसी की पूजा करते हैं। आते हैं हम एक क्लिप लिए हुए सुनते हैं। माँ जी माँ तुलसी माँ की पूजा हम लोग हिंदू धर्म में किया जाता है। इसको हिंदू धर्म में सभी सनातन धर्म के जो मेरे आने वाले जो लोग हैं उनको भी तुलसी माँ की पूजा करना चाहिए। इनका विवाह शिव जी का स्वरूप सालिम ग्राम के रूप में हुआ था जो चार माह के सोकर उठने के बाद हुआ था। चार माह जब विष्णु जी चार माह तक सिंह के रूप में मतलब पत्थर पर उनको श्राप मिल गया था तो चार माह के श्राप को टूटने के बाद उनको सिलग्राम के रूप में माँ तुलसी जी का पूजा मतलब की शादी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन हुआ था। आते हैं कुछ हम उसको गाना के रूप में सुनते हैं कि लोग आज को मतलब कि कैसे इच्छाएं पूर्ति होती है और पूजा करने से क्या लाभ होता है। आते हैं हम कुछ क्लिप के माध्यम से सुनते हैं। माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए और उनके विवाह को धूमधाम से मनाने चाहिए क्योंकि सनातन धर्म को कहते आ रहा है कि हम अपने वैदिक धर्म को नहीं भूलना चाहिए। इससे हम लोगों को बहुत सारे लाभ होता है कि आपको जो भी है मानसिकता आपका मतलब की विकार आपका लोभ मोह सभी खत्म हो जाता है और माँ और अपने मतलब की प्रकृति पे जुड़ाव हो जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए और माँ तुलसी का पूजा हमेशा करना चाहिए
उसको हम अपने भंडार के कोट पर लगाना चाहिए और साथ में साथ हमको उसको पूजा धूम नाम से करना चाहिए, क्योंकि उसको पूजा करने से हमको बहुत सारा मतलब कि फायदा ही फायदा होता है। जिसलिए आपको आस पास उसमें जो भी आपका जो जो विकार है, जो मतलब बीमारियां हैं, भूत प्रेत की आगमन होती है, तो सब नष्ट होता है। मतलब कि सभी ऋणात्मक आपका विचार विकार खत्म हो जाता है। भूत प्रेत अगर हम लोग अब आज के युग में मानते हैं तो नहीं होता है, परंतु आपको विकार जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग तुलसी माँ की आराधना करना चाहिए। जैसे कि हम बता दें कि जब कोरोना आया था तो माँ तुलसी की बहुत जरूरत पड़ी, इसलिए हम लोग चाहिए कि माँ तुलसी को अपने घर में लगाए और उसको मतलब कि पूजा आराधना करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख या सिखाई। यह तुलसी आप लगाइएगा तो निरोग रहिएगा भाई। तुलसी आपको लगता है पाप इन तीन महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी हम कुछ महिलाओं के बारे में बता रहे हैं कि जो मतलब कि जब तुलसी माँ आपके घर में पौधा है तो आप उस दौरान आप वहां पर ना जाए। जैसे कि आप गर्भवती हो, साथ संभोग क्रिया के दौरान आप सुबह बिस्तर पर से उठकर वहां पर ना जाए। दूसरा, गर्भवती हो उस दौरान आप ना जाए। साथ आपका मानसिक धर्म आ रहा हो उस समय आप 4-5 दिन जो भी मानसिक धर्म आता है उस समय नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह के आप जा रहे हैं तो आपका दुर्घटना हो सकता है, आपका मृत्यु हो सकता है। उस समय नारी जो होती है अशुद्ध रूप में होती है, इसलिए इस नारियों को उस समय जब जिस समय गर्भपात के समय हो, वो मानसिक धर्म के हो, वो गर्भवती हो और नहीं तो संभोग क्रिया के दौरान उस समय नहीं जाना चाहिए। इतने कहकर वाणी में विराम लेता हूं। जय हिंद।
आप लगाइए घर पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई, तुलसी घर में रहेगा तो निरोग रहिएगा भाई। आप पूजा करिए चाहे नहीं कीजिए, तुलसी का हमेशा अपने घर में रखने का प्रयास कीजिए। तुलसी अपने घर में रहेगी, आप अगर सुबह शाम अगर तुलसी ले रहे हैं तो आप बीमारी मुक्त रहे। उसका बल्कि अगर किसी बच्चे का बर्दाश्त खत्म हो जाए तो उसको प्रतिदिन मीठा के साथ लेने से आपका दांत भी अच्छा आ जाता है, अच्छा खासा दांत आपका अच्छा आ जाता है और बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। इसीलिए सभी धर्मों के लिए बोला जा रहा है, सभी धर्मों के लिए कि आप अपने घर में आप तुलसी का एक पौधा लगाएं, क्योंकि तुलसी से तुलसी के पौधा से बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि तुलसी जो है ना हर एक तरीका से आपको फायदा ही करती है, कभी नुकसान नहीं करता है। क्योंकि तुलसी जी दवा के रूप में भी क्या उपयोग होता है, जिसने जैसे कोरोना काल में आया था, तो इसलिए आप सभी धर्मों के लोग से अनुरोध है कि तुलसी का आप एक पौधा अपने घर के चाहे कहीं कोने में लगाए। ऐसे हिंदू धर्म को लोग भंडार के नाम लगा के और उसको आराधना लोग भी करता है, पर सभी धर्म अपने कहीं भी लगाए बल्कि तुलसी का पौधा होना जरूरी है। इससे आपको बहुत सारी बीमारियां फ्री में खत्म हो जाती है और इससे जो भी हवा स्पर्श करके जाता है, अगर जो भी हवा इसे स्पर्श करके जाता है वो भी ज्यादा मतलब की कीड़ा मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कीड़ा रहता है उसमें कीड़ा मर जाता है और शुद्ध हो जाता है। इसलिए सभी को चाहिए अपने घर आंगन में माँ तुलसी का मतलब की एक पौधा लगाए। इतने कहकर अपने वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद। उपेंद्र सम्राट आरा वाला।